एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, परंतु सभी एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वाधिक फलप्रदाय समझी जाती है, क्योंकि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार वृष तथा मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। निर्जला अर्थात बिना जल व अन्न ग्रहण किए। निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, अतः निर्जला एकादशी व्रत कठिन तप के समान महत्व रखता है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठे मासी प्रयत्नेन सोपोष्या जलवर्जिता स्नाने चाच्मने चैव वर्जन्ये नोदकं बुधः संवत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्त्युत तासां फलम् अवाप्नोति अत्र मे नास्ति संशयः। अर्थात निर्जला व्रत करने वाला पुरुष अपवित्र अवस्था के आचमन के सिवा बिंदु मात्र जल भी ग्रहण न करे। यदि किसी प्रकार उपयोग में ले लिया तो उससे व्रत भंग हो जाता है। पौराणिक मतानुसार वेदव्यास जी ने पांडवों को निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प कराया था। वेदव्यास जी के अनुसार सभी 26 एकादशियों में अन्न खाना वर्जित है। एकादशी पर सर्व पाप अन्न में बसते हैं, अतः एकादशी पर अन्न खाने से पाप के फल का भागी होना पड़ता है। भीमसेन को छोड़कर कुंती सहित चारों पांडव एकादशी व्रत का पालन करते थे। भीमसेन जी के अनुसार उनके उदर में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती थी, जो कि मात्र अत्यधिक मात्रा में भोजन करके ही शांत होती थी। अतः भीमसेन एकादशी व्रत का पालन नहीं करते थे। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी व पांडव एकादशी कहे जाने के पीछे भी पौराणिक वृत्तांत है। व्यास जी ने भीमसेन से कहा, यदि आप नरक को दूषित समझते हैं व आपके लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है तो आपको दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले कि मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। अतः मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो, जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। इस पर व्यास जी ने भीमसेन को निर्जला एकादशी का वृत्तांत सुनाया, जिसे भीमसेन जी ने पूर्ण किया। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेन एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल व भोजन का त्याग किया जाता है। इस दिन श्रील प्रभुपाद के आदेशानुसार हर भक्त को अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप तथा कीर्तन करना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि वे इस दिन आलस्य त्याग कर अपना समय भक्तों के संग भगवान नाम श्रवण और कीर्तन में बिताएं। इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने बुरे कर्म फलों से मुक्ति पाकर अत्यधिक तीव्रता से भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकता है। हरे कृष्ण।